सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, जितने भी नेता हैं, लगातार विवादित बयान देते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो देश को शायद तोड़ने वाली बात नहीं करते हैं, भले ही उन्हें किसी प्रकार से किसी विवश होकर, किसी भी कारणवश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्दों की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सोच समझकर, नैतिकता को याद रखकर, ध्यान में रखकर ही बयान देते हैं। उसमें से राजनाथ सिंह भी एक ऐसे ही नेता हैं जो कम से कम कुछ नैतिकता का ख्याल रखते हैं। लेकिन यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके बयानों से साफ झलकता है कि वह देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, देश को एक ही रंग में ढालना चाहते हैं। उनको अनेक रंग अच्छे बिल्कुल नहीं लगते हैं, उन्हें विविधताओं में एकता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें एक रंग का भारत पसंद है। तो उसके लिए वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जब देश की जनता जागरूक होती है, या यदि वहाँ कई समुदाय रह रहे होते हैं, तो किसी भी देश को एक रंग में रंगने के लिए देश को खंडित करना पड़ता है, उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। जिस तरह हम आपको बताते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना एक देश बनाना चाहते थे और उसे हरे रंग से रंगना चाहते थे, तब क्या परिणाम सामने आता है? देश खंडित हो जाता है, हमारा देश 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अब योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल वही भूमिका निभा रहे हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना ने भूमिका निभाई थी। वह हरे में रंगना चाहते थे, अब वह हिंदुस्तान को भगवे में रंगना चाहते हैं। वही फिर घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ था, आप याद करिए, देश का एक टुकड़ा हुआ था। लेकिन यदि भगवे में रंगने का पूरा प्लान कर लेते हैं और हम कहते हैं आज से ही वह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, इसका क्या परिणाम आएगा? एक रंग में देश रंग जाएगा, लेकिन देश और भी छोटा हो जाएगा, हिंदुस्तान और भी खंडित हो जाएगा, उसमें एक टुकड़ा और भी हो जाएगा। और यह एक सर्वकालिक सत्य है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक 20 से 25 करोड़ की अल्पसंख्यक आबादी है भले, लेकिन 20 से 25 करोड़ आबादी है, उसको आप कहाँ धकेलेंगे? वह उग्र हो जाएगी और देश आतंक की राह पर चला जाएगा। इस समय भी योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और वह कह रहे हैं कि कांवड़ियों पर अगर किसी ने हमला किया तो उन पर गोली चलाई जाएगी। कैसा बेतुका बयान है ये! आपको याद है कि अब तक कांवड़ियों पर किसी प्रकार का आतंकवादी हमला हुआ हो, या वे सड़क से जा रहे हों, उनको एक समूह ने घेर लिया हो और उनकी पिटाई कर दी हो, क्या आपको ऐसा याद है? यह बेतुका बयान क्यों आ रहा है? भले ही दिल्ली में कुछ स्थानों पर शायद डीजे बजाने के लिए मना कर देते हों, लेकिन आप कांवड़ की यात्रा बिल्कुल देखते रहे हैं। इस बार भी जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तो मैं उसकी ज़मीनी स्तर पर ज़रूर पत्रकारिता करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने स्वतंत्र रूप से शिव भक्त जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। बल्कि जब अल्पसंख्यकों के इलाके से, क्षेत्र से गुजरते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए खाने पीने का सामान रखा जाता है और उनका आदर सत्कार किया जाता है कांवड़ियों का। हमने तो बिल्कुल नहीं देखा, ना यूपी के अंदर ना दिल्ली के अंदर, कि कांवड़ियों के साथ कोई मारपीट कर रहा हो। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यदि कांवड़ियों के साथ मारपीट होती है तो पुलिस की गोली चलाई जाएगी। यह खामा खां का बयान है, बेतुका बयान है। क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वह बिल्कुल देश को तोड़ने वाला कार्य कर रहे हैं। जहां ये घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं, वह उनको और तूल दे रहे हैं। और यह भी हो सकता है आने वाले समय में खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, या जिस तरह से जामिया के छात्रों पर गोली चलाने वाला आतंकवादी था, वह निकलकर सामने और कांवड़ यात्रा पर हमला करें। यहां आपको ध्यान देना होगा, ऐसा हो सकता है और जो निशाना मुस्लिम समुदाय पर साधा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।